हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। हम ऑथर्स बहुत सारी किताबें लिखते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुक लिखना सबसे इजी काम है। सबसे टफ है बुक को सेल करना और बुक को मार्केट करना। और मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में इतना वाइड है, जिसको आप समझने जाओगे तो आप उसकी गहराइयों में डूब जाओगे। और बुक मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि बुक की कॉस्ट बहुत कम होती है, और जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है उसकी मार्केटिंग बजट निकालना बहुत टफ होता है। और ऐसे में स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बीच में आज ऐसी स्पेशलिस्ट हैं जो कि बुक मार्केटिंग में एक स्पेशलाइज्ड कंपनी चलाती हैं। जो भी बडिंग ऑथर्स हैं जो बुक लिखना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि बुक की मार्केटिंग कैसे होती है, इस पॉडकास्ट को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की, बुक से छुपी हुई थ्योरीज़ की, पब्लिशिंग की, मार्केटिंग की और बहुत कुछ, सब कुछ बुक्स के बारे में। तो वेलकम सीमा जी टू आर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। आपको मैं बहुत साल से जानता हूँ, आपने मेरी बुक्स की मार्केटिंग भी की है। तो इस शो में हम इससे पहले शुरुआत करें, आई वुड लाइक कि आप एक बार ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें कि हु इज सीमा एंड व्हाट इज जश्न इवेंट। Thank you so much, Himanshu. It's an honor to be here and I feel proud on the other side because जैसा कि आपने बोला, बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी, जश्न इवेंट मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर्स, मैं MD हूँ। मेरी पहचान ही जश्न इवेंट से है। जश्न इवेंट्स में हमारा जो इनिशिएटिव शुरू से रहा है वो एक तो रीडिंग को प्रमोट करना रहा है, दूसरा राइटर्स को प्रमोट करना रहा है। तो जो राइटर्स हैं, स्टार्टिंग में जब वो बुक लिखते हैं तो वो बहुत ही क्लूलेस रहते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता क्या करना है। तो बुक को कहाँ प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है और किसको लेके जानी है, तो इन सारी चीज़ों में जश्न इवेंट्स उनकी हेल्प करता है। कि लाइक आपको एक हमने वन पॉइंट आपके लिए सॉल्यूशन पॉइंट हमने बना दिया है, जहाँ पर आप को हर चीज़ मिलेगी। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बुक लिख तो लिया है लेकिन अब इस बुक को हम रीडर्स तक कैसे पहुंचाएं, तो इसके सारे सॉल्यूशंस हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और इन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ अब हम ऑथर्स की हेल्प कर रहे हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी साल से, और जश्न इवेंट भी कैसे कैसे नए नए पोर्टफोलियोज पर काम करने लगा है, वो भी मैं देख ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से। थैंक यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मतलब जर्नी ऑफ जश्न इवेंट अगर हम उसको समराइज करें, मतलब हाउ यू एंटर्ड, ये थॉट प्रोसेस कैसे आया कि जश्न इवेंट बनाया जाए, बुक की मार्केटिंग में जाया जाए? क्योंकि जनरली कोई इवेंट कंपनी में आता सोचता है शादियों की, बर्थडे पार्टी की इवेंट बनाते हैं, बट यू थॉट अबाउट बुक्स, ये थॉट प्रोसेस कैसे आ रहा कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी। बुक से मुझे प्यार तो बहुत पहले से रहा है, बचपन से रहा है इनफैक्ट। लेकिन क्या होता है, आप समय के साथ ना कई, जैसे एक हॉबी की तरह आप रीडिंग को लेते हो, और वैसे भी एक हमारे यहाँ एक रहा है, हमारे समाज में भी यही रहा है कि रीडिंग या बुक्स को ना एक साइडलाइन कर दिया जाता है कि सिर्फ आप स्टडी पढ़ाई लिखाई के लिए आप बुक्स पढ़ोगे, अदर देन दैट एक शौक है, एक हॉबी है बुक्स का। और यही चीज़ मेरे साथ रही, लेकिन देन मैंने जब मैं स्टडी कर रही थी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर से करा, दो मैं साइंस बैकग्राउंड की थी, तो जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा इंग्लिश लिटरेचर से तब मैंने इंग्लिश पढ़ी। और एक अच्छी बात मेरे घर में ये रही, मेरे पापा पढ़ते थे, मेरे घर में एक अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, बुक्स का कलेक्शन अच्छा था, मेरे पापा ने मुझे बहुत एनकरेज करा पढ़ने के लिए। देन रीडिंग में मेरी आदत हो गई, मैं बहुत पढ़ती थी, और फिर इवेंचुअली यही होता है कि आपकी लाइफ में एक चेंज आता है, शादी हो गई, शादी के बाद आप उसमें लॉस्ट हो गए, देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। देन मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पार्ट था कि जब मैं कुछ भी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो देन जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, देन माई हस्बैंड एनकरेज मी कि तुम्हारी तो एक हॉबी थी बुक्स पढ़ना, वो तो तुम भूल ही गई। तो देन मैंने वापस से वो मेरी चीज़ रिवाइव करी। उसके लिए हमने बुक स्टोर्स पे जाना शुरू करा। बुक स्टोर्स में सर्टेनली ऐसे हुआ कि मैं एक दो इवेंट्स मैंने अटेंड करे, और मैंने इवेंट्स भी ऐसे अटेंड करे जो बड़े ही फेमस ऑथर्स के थे, नोन ऑथर्स के थे, तो उनसे मिली, उनसे बुक साइन करी। तो वो जो फीलिंग आती है ना कि ऑथर साइंड एक पर्सनलाइज जो मिलता है आपको, तो वो एक आपको बहुत अंदर से खुशी देता है। फिर मैंने पढ़ी भी बुक्स, इसी के साथ साथ फिर मैंने रियलाइज़ करा कि बड़े जो फेमस ऑथर्स हैं वो तो उनके लिए तो बहुत कुछ है,
तो दो ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर पार्शियल कि हम नए को प्रमोट करेंगे पुराने को नहीं करेंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट. हमने उनके साथ भी करे, बट देन आई रियलाइज कि फेमस को फेमस बनाने में वो मज़ा नहीं है जो एक नए के साथ काम करने के लिए. उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत है प्रमोट होने की. देन फिर आई थॉट, एक मेरे पास जो पहला इवेंट मैंने करा था, एक 19 ईयर ओल्ड ऑथर का करा था, वो भी मेरा खुद का नहीं था चॉइस. इट इवेंचुअली केम टू मी, मतलब किसी मुझे मतलब उस पर्सन ने मुझे बोला कि मैम आप इनका लॉन्च कराने में हेल्प कर दो. तो वी थॉट कि चलो हम कर देते हैं, बट एक कुछ ना कुछ एक आपका नाम होना चाहिए, कुछ एक बैनर होना चाहिए. देन वो भी ये हुआ कि मेरे भाई की एक कंपनी थी जो बस ऐसी आइडल पड़ी हुई थी. कंपनी भी नहीं थी, इट वॉज लाइक कि उन्होंने एक नाम दे के सोचा था कि एक ड्रीम था कि हम कुछ करेंगे इस नाम से. देन आई सेड कि लेट मी टेक दिस नेम एंड इट स्टार्ट समथिंग बाय माय ओन, क्योंकि मेरे पास कुछ और था नहीं करने को. कितनी अच्छी बात है, कहीं से आपने शुरुआत की, आज कितने सारे ऑथर्स को मैं कह रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म मिल गया मार्केटिंग करने का. बहुत अच्छी फीलिंग है एक्चुअली. कितने लॉन्चेस कर चुके अभी तक आप? मुझे नंबर काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, मुझे खुद नंबर याद नहीं है, मैं नंबर याद भी नहीं रखना चाहती हूँ. बट हाँ, मतलब आई थिंक 100+ हो चुके होंगे. Great. क्योंकि आप कई सारे आप मिला लो कॉलेजेस में भी. अभी तो ये है सिचुएशन कि हम कॉलेजेस में भी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, कैफेज में भी कर रहे हैं, बुक स्टोर्स में भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं. तो जब आप इतने सारे ऑथर्स से मिलते हो, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग प्लान्स डिस्कस करते हो, मतलब मेरा एक मानना है कि हर बुक अपने आप में एक डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके आती है, चाहे कोई भी बुक हो, हर बुक की एक डिफरेंट मार्केटिंग होती है. तो जब आप इतनी सारी बुक्स पे काम करते हो, तो मेजर अगर मैं कहूँ कि हाँ टिप्स पे अगर व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो मार्केटिंग सॉल्यूशन से सॉल्व हो सकती है, या मार्केटिंग क्यों चाहिए, व्हाट यू विल सेल ऑन दैट? सबसे पहली बात है, जैसे ही जब आपकी बुक आती है ऑथर की, तो बुक आने के पहले ही प्रोसेस शुरू हो जाता है एक्चुअली. जब आपकी बुक बहुत सारे ऑथर्स के साथ, या ऑथर्स नहीं बोलना चाहिए, ऑथर तो आप जब बुक पब्लिश हो जाती है उसके बाद होते हो. जब राइटिंग आप करते हो, राइटिंग के बाद आपका प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट आप पब्लिशर के पास चले जाते हो, आप उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं करते. तो थोड़ा सा, क्योंकि आपको मार्केटिंग, या हम बोलें प्रमोशन या मार्केटिंग है, तो वो ना एक दिखावा वाला होता है, विजिबिलिटी वाली चीज़ होती है. तो उस विजिबिलिटी को आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करने वाले हो लोगों को, तो उस चीज़ पे ना लोग उतना, कई लोग तो ध्यान देते, पर कुछ लोग ना बिना रिसर्च करे बुक पब्लिश करवा लेते हैं और फिर सब कुछ पब्लिशर पे डाल देते हैं, तो वहाँ भी गलत हो जाता है. तो बेटर है आप बुक को ना, जैसे अगर आप कुछ प्रेजेंट करें, हम खाने की चीज़ भी ना अगर ऐसी परोस देंगे ना तो अच्छी नहीं लगेगी. अच्छी नहीं. जब तक आप वही खाना ना बड़ा अच्छे से मम्मी थाली लगा के डेकोरेट करके दे देती हैं, तो वो हमें बड़ी अच्छी लगती है. तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा राइटर को भी रिसर्च करके थोड़ा सा काम करना चाहिए कि प्रॉपर पेज सेटिंग हो, राइट, मतलब कहाँ कैसे फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं. ये सारा वर्क करने के बाद जब फाइनली खैर बुक आती है हमारे पास, तो हमारा मेन ये है कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो. और बुक का उसका एक ये चीज़ और हो जाती है हमारे, हम राइटर्स के साथ ये वर्क करते हैं कि वो किस टाइप का रीडर बेस एक्सपेक्ट कर रहा है. क्योंकि हर बुक हर एक के लिए नहीं होती है, हर एक का रीडर बेस भी अलग होता है. तो मेन यही है कि ऑथर अगर लिख रहा है तो ठीक है, अब वो तो उसका थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच के लिख रहा है. कोई रोमांस लिखेगा, कोई थ्रिलर लिखेगा, कोई मतलब कुछ भी मेंटल हेल्थ के ऊपर लिखेगा, कुछ भी टॉपिक लिखेगा, लेकिन उसको मेन उसकी थिंकिंग उसे ये रखनी चाहिए कि मेरा रीडर बेस क्या होगा, और वहीं प्रमोट करे. क्योंकि सही जगह को सही जगह पे प्रेजेंट करना, दैट इज़ आल्सो समथिंग. तो हम हर बुक के लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इसको हमें कैसे, कहाँ, कब प्रमोट करें. तो ऑथर्स इतने ऑथर्स काम करते हैं. जी जी. बिगेस्ट चैलेंज जो ऑथर्स फेस कर रहे कौन सा होता है? ऑथर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब वो बुक लाता है ना, तो उसको ये लगता है कि मेरी बुक की मतलब पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा. सबसे ज़्यादा उसको डर यही रहता है कि मेरी बुक के मुझे रीडर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. क्योंकि क्या होता है, बिगिनिंग में आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि जब वो लिख रहा होता है तो उसको ना अपनी फैमिली और फ्रेंड से ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है. वो सोचता है कि अरे मेरे तो इतने फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे तो बुक बिक जाएगी और मेरे ये लोग खरीद लेंगे. बट वो क्या होता है, फैमिली और फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये तो हमें फ्री में दे देगा. वो दूसरे टाइप से सोच रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बुक दे देगा, और वहीं पे गलती हो जाती है. और सबसे बड़ी गलती तो मुझे लगता है ये होती है कि हम जब बुक लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमने दुनिया की बेस्ट बुक लिख दी है. बिल्कुल. अब तो उसको लोग पढ़ना ही चाहेंगे.
सबसे बड़ी गलत फहमी एक राइटर ना अपने मन में पाल के रखता है कि मतलब आई एम सॉरी टू से बट ना हर एक लिखने वाले को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है और आपका जज तो दूसरा करेगा पढ़ने के बाद. और जज भी तब करेगा जब वो आपकी बुक उठाएगा. पढ़ेगा. क्योंकि आज की डेट में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बुक स्टोर में कोई जाता है तो तीन चीज़ों पे ही बेस पे बुक उठाता है. या तो ऑथर को जानता होगा या बुक का कवर या बुक का नाम इतना इंक्लूडिंग हो कि लगे कि यार उसको उठाना है और उसने कहीं देखा हो किसी को रिकमेंड करते हुए. और तीसरा कुछ लोग शायद पब्लिशर के नाम पर जाके बुक उठाए. बिल्कुल. इन तीन के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आदमी बुक उठाए. तो जब आपने फर्स्ट टाइम बुक लिखी है आपने चाहे कितना भी बेस्ट लिखा हो अगर इन तीन क्राइटेरियाज में वो फॉल नहीं करती तो बुक नहीं बिकेगी. तो जस्ट इवेंट इन तीन फॉर्मेट को प्रमोट कैसे करती है? मतलब फर्स्ट अगर मैं बोलूं ऑथर ब्रांडिंग, सेकंड बुक ब्रांडिंग, थर्ड ऑब्वियसली पब्लिशिंग एंड उसका बैक. बिल्कुल. इसी चीज़ को बीट जश्न इवेंट करता है कि बुक कोई कैसे उठाएगा. हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं विजिबिलिटी पे. क्योंकि क्या होता है ना, आपने बुक लिखी, आज हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स हैं, आप खुद भी जानते हो, एवरी सेकंड पर्सन इज राइटिंग. आप किसी मेट्रो में भी जा रहे होगे, कहीं आप पार्टी में भी बैठे होगे, तो मतलब हर कोई लिख रहा है. बट हर किसी की पहचान नहीं है. तो वो पहचान बनाने का काम जश्न इवेंट्स कर रहा है. और उस पहचान को हम कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है हम लोग ना दोनों वे में प्रमोट कर रहे हैं. विजिबिलिटी हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, डिजिटली भी कर रहे हैं. ऑन दी अदर साइड हम उनकी विजिबिलिटी फिजिकली भी कर रहे हैं. और फिजिकल इवेंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि क्या होता है, आप ना अभी ऑनलाइन भी अगर शायद हम सर्च करेंगे तो ऑनलाइन में भी हम वही जाएंगे जो आपने तीन क्राइटेरियाज बोले कि या तो हम ऑथर नोन होगा हम उसको पिक कर लेंगे, या हम जो पब्लिशर हमारा नोन होगा हम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर जो हमारा सब्जेक्ट हमारे पसंद का होगा हम उसको पिक कर लेंगे कि यार मेरे को ये वाली बुक पढ़नी है तो मैं इस टाइप में सर्च कर लूँ. और उसमें भी आप वो देखोगे जो बेस्ट सेलर लिस्ट में होगा या फेमस का होगा. अब जो नए ऑथर्स हैं वो तो इन किसी कैटेगरी में आ ही नहीं रहे. उनको अपनी पहचान बनानी, उनको आइडेंटिटी बनानी, अपनी एक क्रिएट करनी है. तो उसके लिए हम लोग ये वर्क करते हैं कि हम बोलते हैं कि आप जब मिलते हो, सी जब आप ना इंटरेक्ट करते हो, वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी. जब आप बुक लॉन्च करते हो, बुक लॉन्च आपका एक ब्रांडिंग के लिए फर्स्ट स्टेप होता है. क्योंकि जो लोग आ रहे हैं ना आपके लिए आ रहे हैं वहाँ पे, तो वो आपसे आएंगे, आपसे मिलेंगे और कही हुई बात का ना एक अलग इंप्रेशन होता है. जब आप लोग चार लोगों के सामने आप उनकी बात करें, आई एम नॉट सेइंग, हम बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करते कि बुक लॉन्च में आपकी बुक बिक जाएगी, बुक नहीं बिकेगी. बट आप ना लोगों से जब मिल रहे हो, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो ना कुछ समय तक उनके माइंड में रहता है. और सबसे बड़ी बात, टू वे में प्रमोशन होता है. जब हम कहीं जा रहे हैं, कोई ने हमको पूछा आप कहाँ जा रहे हो, हमने बोला मैं पर्टिकुलर जगह पे जा रहा हूँ, तो एक वहाँ प्रमोशन हो गया. तो उस पर्सन को भी हम बोल आए कि अरे मैं हिमांशु के बुक लॉन्च में जा रहा हूँ. अच्छा, कोई हिमांशु है जो लिखता है. फिर आप आए हो, आप उस हिमांशु से मिले, आपने उसकी बातें सुनी, अब वो हिमांशु आपके माइंड में चल रहा है. अब आजकल सोशल मीडिया का डिजिटल बहुत ज़माना है, लोगों को ना कहीं भी जाएंगे उन्हें शो ऑफ करना है, फोटो ज़रूर क्लिक कराना है, वो आपके साथ फोटो भी, भले आप पसंद नहीं आए, मे बी नेवर नो, कई बार तो आपकी बातें उन्हें इतनी अच्छी लगी कि आप पसंद आ गए. हम पूरा इंश्योर करते हैं कि बात पसंद आनी चाहिए. तो उस पर भी मैं आपको बुक ब्रांडिंग की बात पे करूंगी. अभी मैं ऑथर की बात कर रही हूँ. देन आपसे जब मिलके वो गया, उसने सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डाला, उसके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने आपको देखा, वो फिर आपकी प्रोफाइल, लोगों को ना दूसरे की लाइफ में जाने की बहुत आदत है, वो तुरंत आपकी आपको टैग कर देते. बहुत शौक है लोगों को दूसरे की लाइफ में. अब आपको टैग किया है, वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, ये है कौन बंदा. अब वो उसमें जा गया, तो ऑटोमेटिकली ना आपका रीच भी बढ़ रहा है, दो दे आर फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग. अब हम बुक ब्रांडिंग पे आते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं, हम प्रॉपरली एक बुक टॉक क्रिएट करते हैं कि हम, क्योंकि वो नया है, उसको नहीं पता मुझे पब्लिक में कैसे बात करनी है. तो उसके लिए हम एक प्रिपेयर करते कि हम मॉडरेटर रखते कि जिसके साथ वो उस बात को डिस्कस करेगा, और हम उन बातों को ही पे बात करेंगे जो बातें ना लोगों के इंटरेस्ट की होंगी. क्योंकि ना बुक की हर चीज़ तो हर एक को यू नेवर नो पसंद आएगी या नहीं. जब वो पूरी कहानी पढ़ेगा तभी उसको कहानी समझ में आएगी, लेकिन उस कहानी का जेस्ट कैसे निकालना है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें हों, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो जिससे जो रीडर आया है तो वो अपने साथ कुछ लेकर जाए. आज आया है तो ये वाली चीज़. बिल्कुल सही कहा आपने. एक चीज़ ना, मतलब जनरली जो नए ऑथर्स होते हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मार्केटिंग कराई है तो इसका सेल्स में कन्वर्शन होना चाहिए. एक एक माइंड सेट भी होता है. होता है.
आपने फेस किया होगा कि ये ना ऑथर आया कि मैं इवेंट कराने तैयार हूँ पर मेरी कितनी किताबें बिकेंगी, या मैंने ये करा लिया तो मेरी कितनी सेल हो जाएगी, या मेरी रैंक कितनी हो जाएगी। ये मैं ही फेस करता हूँ। कई ऑथर्स मुझे फ़ोन करते हैं कि यार मुझे पॉडकास्ट पे आना है पर पॉडकास्ट का मेरी कितनी बुक्स बिक जाएंगी, तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो और ये आते हैं क्वेश्चन आपके पास? वैसे सेल को लेके तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि हम ना हर चीज़ को ना जब भी इवेंट करते हैं, ये ऑथर से प्रमोशन की इवेंट तो खैर एक पार्ट है प्रमोशन का, जब भी हम प्रमोशनल प्लान डिस्कस करते हैं ऑथर के साथ, हम सबसे पहले उसको यही समझाते हैं, स्पेशली जब वो फर्स्ट टाइम ऑथर है, कि सेल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करें। सेल कन्वर्ट होगी बट स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि अभी आपको ना लोग ही उतना नहीं जानते, आपका जब तक रीच बढ़ेगा नहीं आपको ना लोग सर्च करना शुरू करेंगे, मे बी 15 डेज बाद, 1 मंथ के बाद आपका स्लोली ग्रेजुअली आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, उसके लिए आपको पहले आपके लिए एक बस क्रिएट करना पड़ेगा, अपने लिए एक पॉपुलैरिटी, लोगों में प्यार, यू नो इवेंचुअली क्या होता है, व्हेन पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू, दे लाइक यू एनीवेज, आपकी उनको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। आप अगर अच्छे लग रहे हो तो हम आपको अच्छा लगाना वो हमारा काम है, कि हम कोशिश करते हैं कि आपका एक अच्छा, एक जो पीआर वाला जो पार्ट होता है तो वो हम करते हैं, वो एक पीआर में, जैसे हम लोग का पीआर एक पार्ट है तो हम लोग उसमें कहते भी हैं कि एडवर्टाइजिंग इज व्हाट यू पे फॉर बट पब्लिसिटी इज व्हाट यू प्रे फॉर। तो आपको उसमें पब्लिसिटी में आपको प्रे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर हेयर, वी आर हेल्पिंग यू। इन बिल्कुल सही कहा। जैसे कि जस्ट इवेंट को मेरे ख्याल में 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा हो गए शायद, क्योंकि मेरी बुक ही आई थी शायद 8-9 साल पहले जब आपने मेरा इवेंट किया था। तो इस पूरे लैंडस्केप में आपने मार्केटिंग, बुक मार्केटिंग स्पेशली कैसे शिफ्ट होते देखा है? बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं मानशू, लाइक मैं बहुत ज़्यादा टाइम, दो टाइम बहुत हो गया इन टू बुक्स, बट हाँ 8 ईयर्स बिल्कुल हमको एक्टिवली वर्क करते हो गया। तो जो बुक मार्केटिंग में बहुत सारे फेजेस आए हैं, और ना हमको भी स्ट्रेटजी चेंज करते रहना पड़ती है, जो हमारा जो फॉर्मेट पहला था और फिर चेंज हुआ, क्योंकि ना अभी क्या है ना, लोगों का माइंड ना बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों में चला जाता है। और हम मेनली कोशिश ये कर रहे हैं कि फिज़िकल उसमें ज़्यादा रहे, क्योंकि जो फिज़िकल बुक्स होती है ना, आप इतना ऑथर एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ लोग जो सेल्फ पब्लिश कराते हैं वो इतना पब्लिशर को पैसा दे रहे हो, आप मार्केटिंग में इतना पैसा लगा रहे हो, फिर वो बुक ऐसी शेल्फ में पड़ी रहेंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने सेल्फ पब्लिश की बात की जी, तो मार्केटिंग यानी, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग ऑथर्स ऑलरेडी पब्लिशिंग कंपनी को पैसा पे कर चुके होते हैं जी, जी, जी। तो हाउ मार्केटिंग गोज डिफरेंटली विद अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर एंड ट्रेडिशनल पब्लिश ऑथर? कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप बदल के चलते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि होता है बहुत सारे व्यूअर्स सेल्फ पब्लिश आजकल ज्यादा है। अच्छी आपने बात कही। वैसे तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अभी जो मैं कहूंगी मे भी कुछ लोगों को बुरा लग जाए, इट्स अ मिथ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता आपकी क्या डेफिनेशन है, जो मैंने लर्न किया है इस इंडस्ट्री में, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होना वही चाहिए कि जैसे आप उसको ऑथर को आपने एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है, आपने उसका प्रमोशन नहीं करोगे बट एटलीस्ट उसकी बुक्स को आप बुक स्टोर्स तक पहुंचाओगे, फिजिकली अवेलेबल करा दोगे, और जहाँ जहाँ उसे ज़रूरत पड़ेगी उन स्टेप्स पर आप उसको थोड़ा गाइड करोगे। बट ये यूजुअली होता नहीं है। ट्रेडिशनल में भी शायद कई पार्ट हो गए हैं कि आप ऐसा करोगे, आप बार्टर में कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, बहुत सारे उन्होंने फॉर्म। और सेल्फ पब्लिशिंग, और अगर इस वे में देखा जाए तो ट्रेडिशनल तो हो गया कि उसकी बुक को स्टोर्स में पहुँचा दिया, उसको पैसा भी नहीं लगा वहाँ। अभी सेल्फ पब्लिश वाला ना, वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है एक अच्छा खासा अमाउंट, अब उसको ना पब्लिशर ने 50 या 100 बुक्स पकड़ा दी और उसने बस नमस्ते कर लिया उससे कि अब आप अपना देख लो। अब यहाँ उसके पास चैलेंज आता है कि उसकी बुक ना तो स्टोर्स पे अवेलेबल है, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बस उनकी उसकी है ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी ज़्यादा से ज़्यादा अमेजोन पे आ गई, या फिर वो खुद अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं कि हमारी वेबसाइट से खरीद लो, और उस पर भी शिपिंग चार्जेस भी है। अब ऑथर का चैलेंज है, एक तो वो नया है, वैसे ही उसकी बुक नहीं बिक रही और MRP से ज़्यादा पड़ रही है शिपिंग पे। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने उनके लिए ये सॉल्यूशन निकाला कि जब हम उनका बुक लॉन्चेस करते हैं तो हम उनको हेल्प करें, कुछ हमने स्टोर्स के साथ टाई अप कर लिया तो हमको उनको बुक प्लेसमेंट में हेल्प करा देते हैं। जिस स्टोर में हम करते हैं उस स्टोर में भी उसकी बुक प्लेस करा देते हैं। इसके अलावा जो भी स्टोर्स को हम जानते हैं, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर दैट, जहाँ पे अगर हमारा है टाई अप।
तो हमारे ऐसे जैसे दिल्ली एनसीआर में भी हमारे 5-6 स्टोर हैं, पुणे में हम लोगों ने अभी 3-4 स्टोर्स के साथ टाई अप कर लिया, तो वहाँ पे हम उनको करवा देते हैं। और हम हमारी तरफ से फिर ये कर देते हैं कि एक तो उसने लॉन्च करा लिया, बट फिर हम बुक साइनिंग वगैरह उनके अलग अलग स्टोर्स पे ले जाते हैं, करवा देते हैं, जिससे उनको जो भी पॉडकास्ट आते हैं पॉडकास्ट करके फायदा पोस्ट करती है जी। पर आपको मैंने बुलाया था क्योंकि आपकी बुक अच्छी थी, आपका कंटेंट अच्छा था, मैंने रीड करके बुलाया। अब आप उस कंटेंट को प्रमोट करोगा, लेट एक पॉडकास्ट इतना अच्छा कंसेप्ट है जहाँ पे कि आप अपनी बुक का पूरा क्रक्स सुना देते, आप ये पूरी इनसाइट आपको पूरा इतना अच्छा, मतलब आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू हिमांशु। एक तो आपका ग्रो बहुत फास्ट हो रहा है, दूसरा ऑथर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे जो मैं यहाँ विजिबिलिटी की बात कर रही हूँ वो ना यहाँ बहुत अच्छे से मिल रही है। आप बुक का कवर भी दिखा रहे हो, आप बुक के बारे में बात भी कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो 1-to-1। और प्लस आपके एक क्रक्स एक समरी आ गई ना, आप किसी को भी जो आप स्वैप कर पे था जी, जो कि वीडियो में दिख जाती है बहुत स्मॉल फॉर्मेट है, वो कई दिमाग पर बैठती। तो जो आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, आप ऑथर की पूरी बात सुनी, उसकी बुक का क्रक्स सुन लिया, समरी सुन ली, थ्योरी सुन ली, तो कई ऑब्वियसली बात है जो सुन रहा है उसने आप में आ रहे थे यार कि बुक मुझे देनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, आपने बुक लॉन्च किया है, बुक स्टोर्स भरे थे, आप सोशल मीडिया पर भरे थे, तो कई मल्टीपल हैमर्स के साथ वो एक रीडर के दिमाग को छाप छोड़ जाएगा, छोड़ जाता है। और ना आप भूलते नहीं है लोग आपको, हो सकता है उसने आपकी बुक अभी नहीं खरीदी, वो एक हफ्ते बाद खरीद लेगा, एक महीने बाद खरीद लेगा, क्योंकि आप उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहे हो। कई बार क्या होता है वो मिलके चला गया आपसे, फिर ना वो सडनली बुक स्टोर में वो स्क्रॉल कर रहा है, ऐसे ही घूम रहा है फिर रहा है, उसने देखा जैसी बुक्स देखी उसको आया अरे ये तो उसी ऑथर की बुक है, और वो उठा के ले लेगा। तो विजिबिलिटी का ना बहुत असर होता है। मे भी उसने पॉडकास्ट देखा, उसने बुक का नाम कहीं ना कहीं तो सुना था, क्योंकि हमारा माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, तो वो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमें मिल जाता है, मदद करता है। तो व्हाट आर दी 5 थिंग्स ही और शी शुड डू कि इससे मेरी ऑथर ब्रांडिंग होगी? इट कैन बी अ स्मॉल प्रोसेस, इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बिल्कुल, बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला तो स्टार्टिंग, उसको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना हर एज के लोग, हमसे पहले यंगस्टर्स होते थे सोशल मीडिया पर, बट आज आप हर एज का पर्सन सोशल मीडिया पे, आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, थोड़ा खुद को भी सोशल बनाओ, कि आप ये नहीं कि सिर्फ हम क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का वो ना अपना कुछ कर रहे हैं ना, उसमें तो आप प्रेजेंट हो बट आप दूसरों को इनकरेज नहीं करते, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों के लिए भी जाओ, दूसरों से भी मिले, दूसरों को भी इनकरेज करें, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है इसमें। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ जी, इसमें आप क्या टिप्स? क्योंकि सोशल मीडिया जनरली कोई किसी के हैंडल नहीं कर सकता इधर, बिल्कुल, क्योंकि मैं अपना सोशल मीडिया खुद ही मैनेज करता हूँ, कई बार मैसेज आते हैं कि मैं मैनेज कर लेता हूँ, मगर नहीं, सोशल मीडिया मेरा है, मेरा मीडिया है वो, मैं खुद मैनेज करता हूँ। तो आपके क्या टिप्स और सजेशंस होंगे ऑथर्स के लिए कि आप अपना सोशल मीडिया कैसे बनाएं? सोशल मीडिया है वो, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि खुद अपना आप सोशल मीडिया खुद ही मैनेज करो, ठीक है ना। हमारे पास भी बहुत ऑफर्स आते हैं, इवन हमारी टीम भी है, उनके पास हैंडल्स हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जो आप पर्सनलाइज फीलिंग आपकी जो होती है ना, जो आप दे सकते हो, क्योंकि ना बहुत सारे रीडर्स बहुत प्यार से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार ये बुक, जैसे आपने मुझे शुरू में एक्सपीरियंस आपके शेयर किए थे, लोग आपको मिडनाइट में भी मैसेजेस करते थे, तो वो क्या होता है जब आपको वो सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए ना आपका खुद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी, मेरे पास दिन में कम से कम 10-15 मैसेज आते हैं जी, मोस्टली नए ऑथर्स के आ रहे हैं मैसेज, हाँ है। कि सर मेरी बुक आई है, प्लीज़ आप मेरी बुक रीड करके बुक थ्योरी वीडियो बना देंगे क्या? तो मैं सबको पर्सनली रिप्लाई करता हूँ जी, मैं सबको ये बोलता हूँ ठीक है आप बुक भेजो, लेट मी रीड इट, अगर आपकी बुक का कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पर थ्योरी वीडियो बनना चाहिए, देन डेफिनेटली वील डू इट, क्योंकि ये चैनल ही बुक्स और थ्योरीज का है। तो बट वही कि जब तक आप खुद टच में नहीं आओगे लोगों से, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल मीडिया पे भी अगर आप हो तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो गया, आपने एक पोस्ट आज डाल दिया, फिर एक महीने बाद डाल, या फिर आपकी जब बुक आने वाली है तो आप बिल्कुल इतना ज्यादा एक्टिव हो गए हो कि आप ना उनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हो, आप उनको डीएम्स भी कर रहे हो, तो वो कई बार क्या ये स्पैमिंग भी कहलाती है। अब यार
इतना रोज का रोज आप लिंक भेज रहे हो तो दैट इज काइंड ऑफ स्पैमिंग आई वुड से. तो ये स्पैमिंग भी मत करो, बिकॉज क्या होगा, चिड़ के ना आपको नहीं पता चल रहा बट उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके या तो मैसेजेस ब्लॉक कर दिए. तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. डेफिनेटली. और कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है वही, और शॉर्ट वर्ड में क्या है आपका फास्ट रीड का लोगों को है शौक आजकल, और शौक या बोलना चाहिए उनके पास इतना कुछ है, टाइम ही नहीं है. तो बेटर है आप बहुत बड़े बड़े कैप्शन ना डाल के आप छोटे से कैप्शन में अपनी जो बात कहना चाहते हो आप वो लिख सकते हो. बुक के आप छोटे छोटे ब्लर्ब्स निकाल लो, वन लाइनर टू लाइनर्स निकाल लो, उनको आप जिस स्टाइल में लोग पसंद करते हैं, आजकल रील्स चल रही है, आप रील्स स्टाइल में डाल दो अपनी बुक के बारे में, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे. पहले क्रिएटिव्स डालते थे, वही जैसे हम बात कर रहे थे ना मार्केटिंग में जो चेंज है, तो यही चेंज है कि पहले क्रिएटिव्स बना के डाल देते थे, अब वीडियोस बना के डाल रहे हो आप. तो ये जो कंटेंट मार्केटिंग वाली जो बात हो जाती है, तो वो चीज यही प्रमोशन में, वो सारा सब कंटेंट के ऊपर ही है. आप राइटर हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो. आजकल आप बुक टूर्स भी करवा रहे हो इन कॉलेजेस वगैरह में सारा कुछ. इस लैंडस्केप में क्या चेंज देख रहे हो आप, हाउ बेनिफिशियल इट इज, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आपको? हिमांशु, मुझे भी एक समय पे ऐसे लग रहा था कि ना यंगस्टर शायद बुक रीडिंग को पसंद नहीं करते. तो मतलब ये लगता था कि पढ़ाई ना, पढ़ना ना बड़ों का, और एक क्या होता है कि एज के साथ आप भी थोड़े मैच्योर हो जाते हो. आप पढ़ करूँ आपको. हाँ जी. जो लोग ये बोलते ना कि रीडरशिप कम हो गया है, रीडर्स नहीं है, ये बात गलत है. ये वही मैं... चेतन भगत की लाखों में बुक बिक रही है ना, अमीश त्रिपाठी की लाखों में बुक बिक रही है, तो अश्विन खन्ना की बिक रही है, तो रीडर्स है. वही मैं आ रही थी. तो क्योंकि ना जब मैं सोचती थी शायद बड़े लोग पढ़ते होंगे, बट जब हम प्रमोशन में आए तो व्हाट आई रियलाइज, देयर आर रीडर्स फॉर एवरीवन. और हर टाइप की बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, माइथोलॉजी के लिए भी है, सेल्फ हेल्प के लिए है, थ्रिलर्स के लिए है, फिक्शन के लिए तो हमेशा प्यार, मतलब जो लव स्टोरीज के लिए, रोमांस की जनर की बात करो उसके लिए तो हमेशा ही रीडर्स रहे हैं. और जब हम बात करते हैं कि हम कॉलेजेस की और इसके लिए, तो हम लोगों ने जब एंटर करा, हम लोगों ने देखा हर कॉलेजेस में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, इनमें लिटरेरी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और जिनमें अच्छा खासा ग्रुप है. 250 बच्चों का एक है ग्रुप जो कि ना बुक रीडिंग करते हैं वीकली. तो अब वो रीड तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हमने ये देखा कि वो जो रीड कर रहे हैं या तो ये बाहर के ऑथर्स को रीड कर रहे हैं या फिर वो हमारे जो फेमस ऑथर्स हैं, जैसे आपने नाम लिया चेतन भगत और इनका अश्विन सांघी या फिर अमीश त्रिपाठी, इनको पढ़ रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या करा, जब हमने स्टार्टिंग करी कॉलेजेस में प्रमोशन का, तो हम लोगों ने गेम्स कुछ प्लान करे जिनमें हम कुछ पिक्शनरीज बनाए और जो हमने मिक्स बनाए, जिसमें कुछ नए ऑथर्स के, जैसे हम वो नहीं होते इमोजीज के थ्रू हम फिल्मों को गैस कराते हैं, वैसे हमने बुक्स के नाम लिखे. तो व्हाट वी रियलाइज कि ना बच्चे ना जो फेमस ऑथर हैं उनकी बड़े जल्दी पहचान जाते हैं, नए ऑथर्स की नहीं पहचान पा रहे हैं. तो देन फिर हमारा अभी मेन हमने पर्पस, फिर देन हमने भी हमारा स्ट्रेटजी चेंज किया, क्योंकि हम ये चाहते कि हमारे इतने राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स, ऐसा नहीं है कि कुछ, चलो ठीक है फर्स्ट एक्सपीरियंस सबका रहता है कि उन्हें भी नहीं पता कैसा लिखना है, मे बी उनकी फर्स्ट बुक अच्छी नहीं हो, लेकिन कई राइटर्स इतना अच्छा लिखते हैं और मैं चाहती कि उनकी बुक्स लोगों तक पहुँचे. तो इसके लिए आप, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ इंडियन राइटर्स को प्रमोट कर रहे हैं मेनली. इंडियन दो हमारे पास बाहर से भी ऑथर्स आ रहे हैं, बट दे आर ऑलरेडी मतलब इंडियंस ही हैं जो बाहर जाके रहने लगे. तो हमारे, हमने प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे इंडियन ऑथर्स को लिया. दो, हम तो रीडिंग प्रमोट कर रहे हैं, बुक्स को प्रमोट कर रहे हैं, हर तरह की बुक्स पढ़ो, बट स्टिल हमारे पास इतने राइटर्स हैं और जो रोज का लिख रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो देन हम इंडियन राइटर्स को कर रहे हैं. और दूसरा, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और ऑथर को ये फायदा होता है कि उसको एक साथ में इतने सारे 50-100 बच्चों को से बात करने का मौका मिलता है, इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. फिर अगेन अगर हम सोशल मीडिया पे आ जाएं तो उनको वो फॉलोअरशिप उतनी बढ़ जाती है. क्या है, वो अनअवेयर है ऑथर से, अभी तक वो किसी को मिले नहीं पर्सनली. आप उनके लिए वो पहले ऑथर हो, आप उनके लिए वो हो गए हो कि ये ही मेरे लिए ऑथर है, तो वो उस ऑथर को समझ गए, फिर उसको फॉलो करते, उसको लिटरली फॉलो करते. एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, जैसे कि इंडिया में फॉरेन ऑथर्स को बहुत पढ़ा जाता है जी, लेकिन फॉरेन में इंडियन ऑथर्स को नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल, ये डिफरेंस क्यों है? ये इसलिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप ऐसे लोगों से मिलते हो काफी ज्यादा, इसलिए
ये आपने बहुत अच्छी बात करी. एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जैसे अभी आपने बात करी थी चेतन भगत अमीश त्रिपाठी की, हमारे यहाँ क्या है लोगों को ना पढ़ना कम है दिखाना भी ज़्यादा है. ठीक है ना, कि वो ना उसको क्या लग गया, उसने चश्मा लगाया, उसने एक मोटी सी बुक हाथ में रख ली तो वो सोच रहा है कि मैं रीडर हूँ. हैरी पॉटर ना मैं बता रही हूँ 80% बच्चों के पास होगी, जिसमें से ना 30% बच्चों ने भी बुक नहीं पढ़ी होगी. इतनी थिक बुक है वो पढ़ी नहीं है, मूवी देख के उन्हें समझ में आ गया इसके अंदर ये है, जबकि मूवी और बुक में बहुत डिफरेंस है. तो वो क्या होता है, एक रीडर अपने आप को दिखाने के लिए सामने वाला एक बुक हाथ में ले लेता है. वही चेतन भगत जी के साथ होता है कि मैं कहती हूँ क्रेडिट तो पूरा लिटरेचर का लाने, मतलब जो रीडिंग का लाने में चेतन भगत को क्रेडिट जाता है, बिकॉज उन्होंने इतना इजी कर दिया. इंग्लिश लैंग्वेज भी इजी थी उसमें, उनकी बुक्स में सब कुछ बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से आ गया और बहुत अच्छे से लाइवली लिखा हुआ है बुक्स को. तो बच्चों को क्या है ना, कोई भी बुक उठाना हो उठाया तो मैं रीडर हूँ बन गया. तो दैट इज द थिंग विच वी आर ट्राइंग टू चेंज. हम लोगों का ना पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना रीडर बनो मत, बी अ रीडर. बी अ रीडर, दिखाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत दिखावा जरूर है आजकल. अच्छा जैसे कि ना मैंने एक चीज फील करी इतने साल मुझे भी वैसे इंडस्ट्री में, ऑथर्स एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. हाँ जी, लाइक मैं और अजय पांडे हम लोग काफी बात करते हैं. तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हम दोनों कैरेक्टर भी सेम है. या दिव्यांशी से बात करता हूँ या नूपुर से, ऑल ऑफ अस वी ट्राई टू करेक्ट विद ईच अदर एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. क्या तुम्हारी बुक आ रही है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ. तो फॉर बडिंग ऑथर्स आप उनको क्या क्या गाइड करते हो कि हाउ दे शुड कनेक्ट विद ऑथर्स, रीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सपेंड देयर रीच एंड बी लर्निंग्स. बहुत अच्छी बात है. हम हिमांशु, मैं हमेशा सभी ऑथर्स को बोलती हूँ, ऑथर्स शुड सपोर्ट ऑथर्स. आप जब भी कभी भी किसी के इवेंट में जाते हो या कभी भी आप किसी से मिलते हो, सबसे पहली बात तो अगर आपका आपके ही सर्कल का है, सर्कल तो कम्युनिटी तो ऑथर कम्युनिटी तो पूरी एक है, बट स्टिल अगर आप 5-6 फ्रेंड्स हो तो आई वुड सजेस्ट कि अगर उसकी बुक आ रही है तो पहले आप होना चाहिए जो उसकी बुक को खरीदो, पहले आप होना चाहिए जो उसकी बुक के बारे में पोस्ट करो, आप उसकी बुक के बारे में लिखो, उसको अच्छा लगेगा. ऐसा नहीं है, अभी अगर मैं हिमांशु राय की बात करूं तो हिमांशु राय की बुक तो बिक ही जाएगी, मुझे पता है हिमांशु राय इज़ ए नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर, उनकी बुक बिक जाएगी. वो चीज़ मायने नहीं रखती हिमांशु के लिए, बट हिमांशु के लिए ये मायने रखता है कि सीमा सक्सेना ने उसकी बुक के बारे में लिखा, या सीमा सक्सेना वॉज द फर्स्ट हु बॉट हर बुक, जैसे ही उसको वो लिंक मिला. तो इस वे में आप सपोर्ट कर सकते हो. आप जब जाते हो आप बातचीत करो, इंटरेक्ट करो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं. और उनके लिए जो ऑथेंटिक लोग हैं, जैसे कि अगर आप किसी के इवेंट में गए हो, माना जैसे आपने नूपुर लूथरा की बात, अगर आप नूपुर लूथरा के इवेंट में गए और आपने नूपुर लूथरा की बात करी अपने बाजू वाले से, दैट विल मीन अ लॉट टू हर, क्योंकि आप उसके लिए बात कर रहे हो. तो ये चीज़ है ना, एक दूसरे को ना कि एनवियस हो के, हम अगर फ्रेंडली वे में एक दूसरे को सपोर्ट, क्योंकि कई बार आ जाता है कंपटीशन वाली फीलिंग भी ऑथर्स को आ जाती है, कंपटीशन होना चाहिए, होना नहीं, हर किसी भी नहीं. अपना कंटेंट है, अपना कंटेंट है, आपकी अपनी क्वालिटी है, अपना खुद का है. और सबसे बड़ी बात ना, आप खुद की तारीफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है सेल्फ एप्रिसिएशन हैज नो रिकमेंडेशन. अपने मुंह में मिट्टू बनने का कोई मतलब नहीं है, लोग मानेंगे भी नहीं. बहुत अच्छी बात बोली आपने, एक दूसरे को ऑथर जब प्रमोट करते ना, आई रिमेम्बर मेरा एक पॉडकास्ट आया था अरूप के साथ, अरूप जो सृष्टि के ओनर है. एंड जब मैंने वो पॉडकास्ट पोस्ट किया तो प्रीति शिनॉय पोस्टेड दैट रील, उन्हें अपनी स्टोरी पे लगाया एंड वेरी ब्यूटी विद अ ब्यूटीफुल कमेंट, उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया एंड शी पोस्टेड कि ये मैंने पॉडकास्ट सुना अरूप का एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट. फिर मेरी प्रीति से कुछ चैट भी हुआ थोड़ा बहुत एंड शी सेड कि हाँ मैं भी कभी आऊँगी दिल्ली तो पॉडकास्ट में आऊँगी. पर बात ये नहीं कि उनके पॉडकास्ट शेयर करने से शायद मुझे कुछ होता, कुछ एक्स्ट्रा मिले होंगे, डेफिनेटली मिले होंगे, बिकॉज शी इज अ सेल्फ ऑथर. बट जो एक जेस्चर था उनका, दैट मीन्स अ लॉट यार, उन्होंने शेयर किया. वही मैं बोल रही हूँ, जेस्चर मीन्स अ लॉट यार. एक बार मुझे याद है, मैं जब इंस्टाग्राम पर ना काफी कुछ अनसेंड करता था, क्योंकि मैंने स्नैपचैट यूज करके बुंडा उंडा बन के कुछ कुछ पोस्ट कर रहा था. देखिए तो मैंने एक बार एक पोस्ट किया, तो उस समय कुछ बोल रहा था कि मेरी लड़की है और ना एक वो लड़का है, वो उल्टे उल्टे करता है, बोर्ड को उससे शादी करनी. That's why I was talking about Ravinder Singh. Okay. और मैंने उस देर बाद देखा कुछ घंटे बाद, तो उस रील पे अचानक देखो 10-15 हजार लाइक्स आ गए.
कैसे हो गया सारे लाइक्स, इतने लाइक तो मेरे पे आते नहीं। Then I noticed कि रविंद्र शेयर दैट। Oh wonderful। और वो मेंशन किया अंकल जी किसी दिन आपसे जरूर मिलूंगा, ऐसे कुछ करके सामने। So this is a small, small gesture which actually is very overwhelming. It helps you or overwhelms you. वही होता है कि आपको ना एक अच्छा feel, वही मैं बोल रही हूँ कि अभी अगर मैं बोलती हूँ ना कि मैं जाके मैं बोलती हूँ कि मैं आज हिमांशु राय से मिली या हिमांशु राय की मैंने एक बुक भी डाल दी, तो बात ये नहीं है कि मेरे कहने से आपकी बुक बिक गई, बट एक जो फीलिंग है आपके मन में अच्छी फीलिंग आती है ना, वो बहुत अच्छा। दिस इज हाउ द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स। तो मैं तो ये कहूंगा कि किसी को अगर बुक अच्छी लग रही है ना, देन डेफिनेटली उसको प्रमोट करना चाहिए, किसी की भी हो, नई ऑथर की हो, सेल्फ पब्लिश हो, बट इफ इट्स अ गुड बुक, नए को तो आपको और होके करना चाहिए, बिकॉज आप वो वाला प्रोसेस ना आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, तो अगर आप उसको एनकरेज कर रहे हो तो शायद उससे बेटर कुछ भी। डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसे आपने 100 प्लस शोज करे हैं, इवेंट्स करे हैं, तो एक कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ आप इन इवेंट्स में से जो आपकी मेमोरेबल हो, क्या ये इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट था, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाट आई हैव डन। कोई ऑथर की बेस्ट तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मेरा हर इवेंट का एक्सपीरियंस मेरा एक डिफरेंट होता है, और हर इवेंट में मैं लर्न करती हूँ। एक सीक्रेट है अभी ये हमारा पब्लिक पॉडकास्ट है, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस सीक्रेट कि ना हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है जो सिर्फ मुझे पता है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं रह जाता। हर बार ना सोच के आती हूँ कि यार ये मिसिंग था, और जो मेरे जो टीममेट्स हैं कुछ तो बहुत टाइम से लकीली, मतलब आप अकेले कुछ भी नहीं करते हो, आपका ना टीम एफर्ट्स के बिना कुछ भी नहीं होता, और ये इवेंट मैनेजमेंट ये वाला ऐसा काम है ना जो आप खुद से कुछ कर ही नहीं सकते बिना टीम के। तो इवन मैं टीम के बच्चों से भी बोलूँगी, क्यों ये ऐसा हो गया ना, नहीं तो मैम कुछ नहीं हुआ। अरे डर रहे हो बताओ मुझे, तो उनको नहीं दिख रहा, बट समवेयर इन माय हार्ट मुझे एक लग रहा है कि नहीं ये रह गया, क्योंकि आप वो परफेक्शन लेवल देखना चाहते हो ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं, और मुझे ना इस चीज की बहुत खुशी भी है कि मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि हर स्टेप में हम इम्प्रूव करें। और बस एक चीज और है मानशु की ना, मैं मेरा बस ये है कि अगर मैंने किसी को, मतलब ऑफकोर्स मैं इवेंट्स कर रही हूँ, मैं पैसा भी ले रही हूँ सामने वाले से, लेकिन मैं ये नहीं चाहती उसको ना एक पर्सन भी रिग्रेट हो। अगर उसने मुझे कुछ दिया है ना, तो मैं उसको, उसने इतना दिया है तो मैं उसको इतना दे दूँ, उसको ये ना लगे कि यार मैंने गलत किया, मेरा कहीं भी गलत, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली अभी जो है सिचुएशन ऐसा नहीं है। आई एम सो प्राउड कि मैंने सवि शर्मा का भी इवेंट करा, तो हमको मतलब अच्छे बड़े ऑथर्स के भी कर लिए, आपके करें बट हमको ये है कि अभी जो आ रहे हैं ना, बहुत नए ऑथर्स आ रहे हैं, वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मुझे ये रहता है कि अब उनका ना इतने जो भी वो कर रहे हैं ना, कि अब उनका कम बजट में अच्छे से अच्छा हो जाए। इसी के लिए हम लोगों ने रीडिंग सेशन शुरू करे कि कम बजट वाले, कि जिसमें चार पाँच ऑथर, उनको गैदरिंग की भी इशू आ जाती है, उनके लिए लोग नहीं आते, तो फिर हम करते हैं कि मिक्स कर देते हैं कि थोड़े दो तीन नॉन ऑथर्स, एक दो मतलब नए ऑथर्स आए, तो उनके साथ उनका कम बजट में रीडिंग सेशन हो गया, कॉलेज इवेंट्स हो गए, इस टाइप से उनको गैदरिंग भी मिल जाती है और उनका प्रमोशन भी हो जाता है। तो आप कैसे देखते हो बुक मार्केटिंग का फ्यूचर क्या, मतलब जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, मैं तो पूछ रहा हूँ मेरी बुक आने वाली है, मतलब आगे क्या करने वाला। देखो बुक मार्केटिंग हर ऑथर के लिए मेरा सजेशन है, सबसे पहले तो अगर आप बुक आप लिख रहे हो तो आप एक अपना बजट भी प्लान कर लो, क्योंकि उसको आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट मांगती है बुक, बिना उसके कुछ भी नहीं होता। इवन अगर एक नोन ऑथर है उसको भी अपना प्रमोशन करना पड़ेगा, वो डिफरेंट वेज हो सकती है, मे बी क्योंकि हिमांशु का पॉडकास्ट इतना फेमस है कि हिमांशु की बुक्स वैसे ही चली जाए, क्योंकि अब हिमांशु जितने कर लेगा उतने लोग तो खरीद ही लेंगे बुक्स की, बट ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, हिमांशु उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे जो वीडियो देखना पसंद करते हैं, बुक ना रीड नहीं, डोंट वरी, बुक बिकेगी, बस ये कि प्रमोशन है वही है कि कंटिन्यूटी आपको बना के रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, और जरूरी है। जितना मतलब मार्केटिंग का फ्यूचर तो है ही, बिना मार्केटिंग के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई सी भी करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब डिजिटली, और दोनों ना पैरेलल ही जाता है, डिजिटल मार्केटिंग और आपका फिजिकल मार्केटिंग, दोनों आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इवेंट कर लिया, फोटोज आ गया, वो उनको डालोगे तो सोशल मीडिया पे। मैं एक चीज लोगों से बोलता हूँ, कई लोग कहते हैं मैंने ना इवेंट करा लिया, मार्केटिंग करा ली, हो गया, आप बुक बिकी नहीं रही, तो मैं कोई बोलता हूँ, मैंने कहा एक बार बताओ, कोलगेट 60-70 साल से तो है, मैंने कभी भी टीवी में ऐड क्यों आता है, मैं कहा लोगों ने देख लिया, खरीद लेंगे, यूज भी कर लिया लोगों ने, मैंने कहा वो इसलिए करते हैं क्योंकि अब तक आप
कॉन्स्टेंटली बूस्ट नहीं करोगे दिमाग पे, भूल जाएंगे लोग कि कोलगेट क्या था, सेंसोडाइन आ गया वो ले लेंगे, जैसे ही आपकी मार्केटिंग लूज होगी दूसरा ओवर पावर कर लेगा। और आई थिंक मिसकंसेप्शन ऑफ आवर मार्केटिंग, इसको आप कैसे कैसे टर्म करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? मार्केटिंग में मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है लोग ना, और दूसरा ना भटकाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है। देखो दो चीज होती है मार्केटिंग में, मैं बोलूंगी विजिबिलिटी को लेके बात करूंगी, अगर हम बात करें प्रमोशन को लेके मेन बात करूंगी। यहाँ पे क्या होता है कि हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, और हर चीज के लिए ना हर कोई बना हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट, एक वो क्या हो जाता है कि वो एक मेरे पापा मम्मी के बोलते थे कि ना जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। तो हर एक ना अपना काम हर एक का है, आप ना उसी को करने दो वाली चीज, क्योंकि अगर दूसरा आपका काम ले लेगा ना, अब लाइक ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर अब मैं इनके कैमरे के पीछे बैठ रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या कर दूँ मैंने कभी हैंडल ही नहीं किया है। मैं राइटर नहीं हूँ, मैं नहीं लिख पाऊंगी। मैं बहुत अच्छी बुक्स के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ना लिख नहीं पाऊंगी उतना अच्छा। तो वही चीज है, प्रमोशन जो कर रहा है वो वही कर पाएगा। अब आप ना जो नहीं कर रहा है, अब अगर आप उसके पास जाके सजेशन लोगे, वो आपको सही एडवाइस नहीं देगा। आई वुड सजेस्ट गो टू राइट पीपल, दोज विल एडवाइज यू। जिन्होंने अच्छा लिखा हुआ है आप उनके पास लिखने की एडवाइस लो, उनकी जिनकी बुक्स चल गई हैं, जिन्होंने प्रमोशन करा चुके हैं, उनसे पूछो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आपको सही एडवाइस देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि लोग आपको मिसगाइड करते, अरे इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। उन्होंने नहीं करा तो उनसे कैसे पता चलेगा कि कुछ नहीं होता, जिसने कुछ करा ही नहीं है। ये बात वही, लोग इवेंट्स को तो ये समझते हैं कि यार इवेंट हुआ ना, मेरी 50-100 कॉपी तो वहीं बिक जाएंगी। That is the, वही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन वही है। मिसकंसेप्शन एक वो भी है, बट अभी क्या हो रहा है, उस इवेंट में बुक बेचना ही नहीं चाहिए, बुक बेच नहीं, मैंने सारी अपने ऑडियंस को दे देनी चाहिए, गिफ्ट कर देनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी। क्या होता है हिमांशु, आप हालांकि आपका सोचना बहुत सही है, मतलब मेरा सोचता है कि जितने रीडर्स का बुक जाएगी तभी वो पढ़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन हिमांशु क्या होता है, नया ऑथर ना ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुका, वो जो लाया है ना 30 किताबें 50 किताबें जो उसने वहां स्टैक करी है डिस्प्ले के लिए, वो भी ना वो खरीद के लाया है। दे आर देयर हार्ड अर्न मनी, तो वो है ना, अब वो फ्री में दे देगा, उसकी तो नहीं जान जा रही। मैं समझ गई अभी क्या हो रहा है। अब वो बेचारे का पैसा लग, वो तो जो एक किताब लेगा फ्री में, उसकी जो जान वहीं जा रही कि मेरी किताब चली गई। और दूसरा एक नहीं, इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक भी है, मैं इवन आपको भी सजेस्ट करूंगी फ्री में। क्या होता है, फ्री की चीज का ना लोग वैल्यू नहीं करते। जब ना लोग खरीदते हैं तो वो ना बड़ी वो उनका प्राइस पोजीशन हो जाता है कि दैट इज माय, और वो ना उसका फ्रेंड भी मांगेगा ना, वो नहीं देगा, खुद ले ले अपनी। आज हुआ, आज हमारा एक बुक लॉन्च इवेंट था, तो कहने लगे तू ले रही है ना, मेरी भी हो गई, नहीं तू अपनी खुद कर तो मतलब ऐसे हो जाता है कि वहाँ पैसे इन्वॉल्व हो गए, तो उन दोस्तों की वहाँ पर। तो एक चीज है कि एक तो ना बुक फ्री में तो नहीं बांटो आप, हाँ आप ऑफर रख सकते हो। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं ऑथर्स को, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता, अब पब्लिशर ने एक प्राइस सेट कर दिया, तो हम कहते हैं कि आप कुछ ऑफर कर दो, लॉन्च ऑफर, कि आज हम बुक को ना कुछ डिस्काउंट पे बुक सेल करेंगे, बट हाँ आप सेल करो, क्योंकि फ्री में एक तो फिर वो क्या समझते कि अरे ऐसे ही होगा तभी तो फ्री में दे रहे, दो तीन कई तरह का लोगों का माइंड चलता है। सही कह रहा हूँ ना, आप फ्री में नहीं, मार्केटिंग एक्सपर्ट की एडवाइस हो सकती है, इतने 10 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, इस एक्सपीरियंस में आपने बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटी करी, चाहे वो इवेंट हो, बुक लॉन्च हो, टूर हो, सोशल मीडिया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आप करते हैं। अभी कभी आपका सोचता है कि इसमें से कोई ऐसी चीज थी जो अंडर यूटिलाइज्ड है, या ये करने का फायदा नहीं है, ऐसी कोई इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो आपने सोचा यार पहले करी हो फिर उसको अलग कर दिया, क्या इसकी जरूरत नहीं है, ये करना बेकार है, इसमें पैसे वेस्ट होते हैं और रिजल्ट नहीं आते। वहाँ पे ना कभी ये होता है कि जैसे हम ना बहुत कुछ एफर्ट्स लगा रहे, बट ना ऑथर्स नहीं लगा, ऑथर क्या हम पे डिपेंड हो गया, तो वहाँ ना मुझे बहुत पर्सनली भी बुरा लगता है, हमारी टीम के एफर्ट्स भी पूरे वेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि हमने ना उसके लिए बहुत तैयारी करके रखी, वो ना बड़ा कैजुअल सा हो गया ऑथर, या हो गई मेल या फीमेल कोई भी है, तो ये लोग ना कई बार ये ऑथर्स क्या सोचते हैं, बस हम तो ऐसे ही बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, इवन अगर आप फिजिकल इवेंट भी कर रहे हो ना हिमांशु, मेरा मानना है आप ना फिजिकल, आप अपनी पब्लिक इमेज बना रहे हो, बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग आप
के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे ना आप भी ना उनको इतना कैजुअली मत लो, या तो आप देर से आ गए या फिर आप ऐसे ही चले आए तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ कि ना अगर आप आ रहे हो तो टुडे इज़ योर डे, तो आप ना अपने प्रॉपर ड्रेसअप हो गया और थोड़ा सा लोगों को, उनको भी तो इम्पोर्टेंट लगे कि हम किसी के लिए आए हैं, तो वरना आप ना उनकी भी इंसल्ट कर रहे हो। सही है, तो वो चीजें थोड़ी सी ना ऑथर साइड से वो हो जाती, फिर लगता है यार इसका तो ऐसे ही है तो नेक्स्ट टाइम फिर हम उसको बोलते हैं कि तुम ये कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज ये सब करना वेस्ट जाएगा। वेस्ट, सही बात है। द लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बुक मार्केटिंग के लिए या ऑथर ब्रांडिंग के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज यू सजेस्ट टू ऑल द बडिंग ऑथर्स? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप अपना सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इतना स्ट्रांग रखो। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि आप फॉलोअर्स बोरो कर लो या वो करो, आप ना ऑर्गेनिकली, वो बिल्कुल मत करना, बोरो फॉलोअर ना खरीदना, वो सब बेकार होते हैं, फर्जी होता है वो सब बिल्कुल, तो उसको ना आप कोई यूज नहीं है, आपके दिखेंगे बट वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो मेनली आप अगर अपना कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेके, आपका कंटेंट अच्छा है, लोग आपको पसंद करेंगे, वो आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होंगे, ऑर्गेनिकली फॉलो करेंगे। दूसरा, विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बुक की विजिबिलिटी, आपका जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो वो भी तो लोगों को दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऑथर सोचता है कि मेरे दम पे बुक बिक जाएगी, जैसे फीमेल ऑथर्स के साथ मोस्टली होता है, वो सोचती है हम अपनी बढ़िया रील बना बना के डालेंगे, तो वो रील को तो कर रहे हैं लाइक, वो आपकी बुक को नहीं कर रहे, तो ये आपकी बुक सेल में कन्वर्ट नहीं होगी, तो ये बहुत ना गलत एक वो है माइंड में। मुझे लगता है कि मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा एनालिसिस का जॉब है, बहुत ज्यादा। तो जो भी आप बुक मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत जरूरी है कि उसका डेटा एनालिसिस करते रहना, कि आपके हर एक एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और नॉट ओनली मॉनेटरी इंपैक्ट बट कि क्या इंपैक्ट है, विजिबिलिटी इंपैक्ट, ब्रांडिंग इंपैक्ट। मॉनेटरी तो बहुत लास्ट में आता है, बहुत लास्ट में आता है, पहले तो आपके यही छोटे छोटे स्टेप्स काम आते हैं कि आपकी क्या चीज वर्क करी क्या नहीं। आप जैसे हम लोग आपको स्ट्रेटेजी एडवाइस करें, आप उनको फॉलो करो, नहीं कर सकते तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप चेक करते रहो कि ये मेरी वर्क कर रही है कि नहीं। अब फोटो डाल दिया, बस डाल दिया आपने, बिना उसमें कैप्शन डाले डाल दिया, अरे आप कुछ लिखो तो, आप क्या करा, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, एटलीस्ट आप दो लाइन लिखो तो वो वर्दी लगेगा। अब आप कहाँ खड़े हो, कहाँ नहीं खड़े हो, किसी को क्या पता। तो वही चीज है कि आप एक तो कंसिस्टेंट रहो, आप अपना ध्यान देखते रहो, अगर विजिबिलिटी है तो आपकी बुक, अगर आपने बुक लॉन्च भी कर दिया लेकिन बुक वो स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर अगेन वही चीज हो जाएगी, लोग आपको थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, बट आपका बहुत बड़ा पार्ट रह गया है। तो बुक का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसे सोर्सेज ढूंढो जहाँ से आपकी बुक स्टोर्स पे पहुँच सके, कहीं ना कहीं लोग आपको देखेंगे, आपको सोचेंगे, मे बी वो माइंड बनाए लेने का। डेफिनेटली। तो मेरे शो का एक लास्ट फॉर्मेट है जहाँ मैं बुक डांस करवाता हूँ सबसे। अच्छा। चाहे वो ऑथर, पब्लिशर, मार्केटिंग, जो भी है, वो बुक डांस करते हैं छोटा सा, जस्ट टू से दैट बुक्स आर इम्पोर्टेंट एंड वी अर्ज दैट गो एंड रीड बुक्स। तो आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन। आई बिलीव बुक्स क्या है, मेरा भी मानना है कि बुक्स ना आपके बहुत बड़ा एसेट्स होते हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी जा सकती है, आपकी हेल्थ चली जाएगी, आपकी वेल्थ चली जाएगी, लेकिन नॉलेज आपका कभी नहीं जाएगा, हमेशा आपके और साथ। मुझे ना पॉडकास्ट करके ना यही ज़्यादा मज़ा आने लगा, मैं हर हफ्ते इतने इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलता हूँ ना, चाहे वो फिक्शन लिखा हो चाहे रोमांस लिखा हो, उनके आइडियाज होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज होती है, तो मेरा कि मैं ऐसे ही बहुत सारा विजडम मिलता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है मांशु, एंड आई थिंक मतलब मुझे बहुत, आई एम अगेन सेइंग दैट कि आई एम फीलिंग सो प्राउड सिटिंग हियर बिसाइड यू, और बहुत ग्रो करो जैसे कि मिलियन जल्दी से हो जाए। आई एम जॉइन करते हैं। सो व्यूअर्स, हम रेडी हैं बुक डांस करने के लिए, तो क्योंकि तो प्लीज जॉइन मी फॉर अ स्मॉल बुक डांस। इस डांस के थ्रू हम ये बोलते हैं सबसे कि बुक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड डू रीड बुक्स, और जस्ट की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो बडिंग ऑथर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपनी बुक का लॉन्च करवाना हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट सीमा मैम एंड ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू आवर शो एंड गिविंग सो इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन अबाउट बुक मार्केटिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।